मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और नए साल की शुरुआत की है भगवान के साथ, और आप सभी को दोबारा से हैप्पी न्यू ईयर। और ये नया साल हमारे और आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए और बहुत अच्छा निकले सबके लिए ही। और बाबा से भी आशीर्वाद ले लिया है, अभी भगवान से भी आशीर्वाद ले लिया है कि अंशु गुड्डू की फर्स्ट पोजीशन आए, शर्मा जी का ढेर सारा काम आए, गाड़ी की बुकिंग आए, मम्मी की तबीयत ठीक रहे, तो सब कुछ ही मांग लिया है भगवान से नए साल पे। और आज बच्चों के लिए आलू टिक्की बनाऊंगी, क्योंकि कई दिन हो गए करते करते। गुड्डू कह रही है, मम्मी आपको कई दिन हो गए आलू टिक्की नहीं बनाई है, तो आलू टिक्की बनाऊंगी। फिलहाल तो इनको नाश्ता परांठे का ही करवाऊंगी, क्योंकि उसमें तो टाइम लगेगा, तो ये नाश्ता तो करवा देते हैं इनको। फिर दोपहर में बनाऊंगी आलू टिक्की। और श्याम बाबा के भी जाएंगे मंदिर में, रिंगस तो नहीं जा सकते राजस्थान, तो यहाँ जो मंदिर है रेवाड़ी में, वहीं पे दर्शन करके आएंगे। अगर बाबा का बुलावा हुआ तो दर्शन करके आएंगे बाबा के। तो मैं पूजा करके बाहर आई थी और मैं देख रही छोटे छोटे पिल्ले ना, ये भूख से बेचारे, एक तो ठंड से और एक भूख से कांप रहे थे। तो अब मैं इनको रोटी खिलाऊंगी, क्योंकि रोटी बची हुई है मेरी, एक रोटी तो रोटी भी डालूंगी और थोड़ा इनको दूध भी पिलाऊंगी। तो दूध इनको प्लेन तो पिलाएंगे नहीं, क्योंकि प्लेन पिलाने से ना इनके पेट में बेचारों की गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा गीजर में से गर्म पानी ले लूँगी और इनको दूध पिलाऊँगी। और देखिए, जब इनको रोटी डाली है तो माँ तो माँ होती है भाई, पता नहीं कि मेरे बच्चों को क्या खिला रहे हैं। भाग के आई है देखने के लिए कि पता नहीं मेरे बच्चों को क्या खिला रहे हैं। और माँ कम खा रही है और ये सारे जब इन्होंने खा लिया तब खा रही है। और अब इनको पिलाएंगे दूध, थोड़ा गर्म पानी मिला के, क्योंकि दूध एकदम ठंडा था। तो इतना ठंडा, पहले ही बेचारे ठंड से कांप रहे थे, अब ठंड का तो भाई भगवान के सिवा कोई समाधान कर ही नहीं सकता। ठंड का धूप निकले कई दिन हो गए हैं, तो इनको ये दूध पिला के गरम गरम थोड़ा बहुत तो पुण्य कमा ही सकते हैं। तो आज बनाएंगे बच्चों के लिए टिक्की, क्योंकि एक तो नया साल भी है और बच्चों की छुट्टी भी है, घर पे हैं, तो इनके लिए नए साल पे कुछ स्पेशल भी हो जाएगा। कई दिन हो गए गुड्डू को करते करते आलू टिक्की नहीं बनाई है मम्मी आपने, तो आज आलू की टिक्की बना रही हूँ। उसके लिए मैंने आलू उबाल लिए हैं, अब इनको छील के मैं कद्दूकस करूँगी। ये इनमें मिलाने के लिए मैंने अरारोट मंगवा लिया है, एक थैली दही की। और ये चटनी बनाने के लिए मैंने इमली मंगा ली, तो इसको गर्म पानी करके इसको मैं भिगो के रख दूँगी। इमली भिगोने के लिए मैंने गर्म पानी कर लिया है पतीली में 1 गिलास, और इसको थोड़ा सा गुड़ और डाल लूँगी इसमें, और इसको मैं 15-20 मिनट के लिए साइड में रख दूँगी, ताकि हमारी इमली भी अच्छे से घुल जाए पानी में और गुड़ भी, और खट्टी मीठी हमारी चटनी इमली की तैयार हो जाए। और अब ये गांठ बनी हुई है, तो इसको मैं अच्छे से हाथों से दबा के, ऐसे क्यों गर्म पानी है तो ये पिघल भी अच्छे से गई है, और इसको अब मैं 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी। अब आलू छील रही हूँ, और इनमें भी कई देर लग जाएगी, क्योंकि कई आलू हैं ये और ठंडे हो चुके हैं, गरम गरम तो फिर भी जल्दी छील जाते, अभी ठंडे हो गए हैं तो कई देर लगेगी। आलू छीलती हूँ और फिर इनको करूँगी कद्दूकस, और फिर इसमें कॉर्नफ्लोर मिला के अच्छे से, और फिर इनकी, और भाई बेटी तो बेटी होती है, अंशुमन की तो थोड़ी तबीयत ख़राब हो और कुछ, वो अपनी साइंस की तैयारी कर रहा है, कल का उसका पेपर है, और मेरे साथ आ गई, कह रही मम्मी मैं आपकी हेल्प करवाऊँगी। तो गुड्डू छिलवा रही है आलू मेरे साथ, और गुड्डू को होमवर्क नहीं मिला है, 1 हफ्ते की गुड्डू की छुट्टियां पड़ गई है, और गुड्डू की तो भाई बल्ले ही बल्ले हो गई है अपना होमवर्क करना, और अच्छे से अपने हॉलीडे एंजॉय करेगी, और थोड़ा बहुत अपने मम्मी के साथ थोड़ी हेल्प करवा देगी, वरना एंजॉय एंजॉय मूवी देखेगी। कौन कौन सी मूवी देखते गुड्डू? मम्मी वाला लाइफ तो ऐसी, हां 3 इडियट, हां और जस्टर्ड मैजिक, हां और हैरी पॉटर, और भी। आलू मैंने छील लिए हैं और अब इनको मैं कद्दूकस करूंगी, और मैं तो कुछ काम करने लग गई थी, और इतने में गुड्डू ने हमारी ने कर दी है शुरुआत ये आलू कसने की। देखिए, एक आलू इसने कद्दूकस कर लिया है, ये बेटा कॉर्नफ्लोर है, ये इसमें मिलाएंगे, और इस इनको मैं सारों को अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी, क्योंकि जब हम ये कॉर्नफ्लोर इसमें मिलाएंगे तो इसमें गांठे ना पड़े और हमारी टिक्की जो है अच्छी बन जाए। और पालक भी मैंने मंगा लिया है, जो पतली सी दी है, अब बच्चों को तो लूट ही लेते हैं, क्या करें, और सारे काम भाई हम भी नहीं कर सकते, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चों की भी थोड़ी हेल्प लेनी जरूरी है। ये छोटे छोटे बेटा उबलने में सही रहते हैं, ये उबलने में सही रहते हैं छोटे छोटे आलू, ये तो बिल्कुल ही छोटा है, ये साइड का भी ले लो, चलो आज मेरे को सिखाओ। तो कस कर लिए हमने, और अब मैं इसमें मिला रही हूँ अरारोट कॉर्नफ्लोर, और ये भी हमको अच्छे से मिलाना है आराम आराम से, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड से करूँगी तो ये उड़ जाएगा, पाउडर जैसा है, क्योंकि ये अब इसको धीरे धीरे से मिलाऊँगी।
ऐसे गोल गोल हमको रोल बना लेने इसको, और ऐसे गोल गोल बना लेनी गोले से, इसके जैसे आटे की लोई बनाते हैं ऐसे अच्छे से, और अच्छे से ऐसे दबा के, क्योंकि बीच में फटनी नहीं चाहिए, और इनको बना के रख लेते हैं सारी ऐसे ही, और फिर बनाएंगे टिक्की। और टिक्की में थोड़ी मोटी बना रही क्योंकि सिर्फ टिक्की बनानी बर्गर में नहीं लगानी, तो इसलिए मैं थोड़ी मोटी मोटी बना रही हूँ, और चटनी की भी साथ साथ में तैयारी कर रहे हैं। और देखिए है, मैंने रोल बना लिए हैं, और इनको मैं साइड में रख दूंगी, और ये फ्राई पैन हम रख रहे हैं इसमें गर्म करके इसमें बनाऊंगी। और ये चटनी के लिए मैंने पालक, धनिया, हरी मिर्च, अदरक डाल लिया है। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी और चटनी हमारी बन जाएगी। तो गैस ऑन करते हैं, बनाते हैं टिक्की। और मीठी ये तो बनेगी हमारी मिर्च वाली चटनी, और ये बनेगी हमारी मीठी चटनी। तो इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी, और थोड़ा और इसको ऐसे बिचूर के, और फिर मैं इसको छान लूंगी। तो हमारी इमली की चटनी भी तैयार है समझ लो, और ये भी तैयार है, बस मिक्सी में ग्राइंड करनी है। और तो ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे इसमें, बस ये है कि ये थोड़ा सा नीचे तेल लग जाए हमारा, और हमारी ये चिपके ना, और थोड़ी थोड़ी ये सिक भी जाए। अगर मेरे को बर्गर बनाने होते तो फिर मैं इनको बनाती कढ़ाई में, भाई सबका बना अपना अपना बनाने का तरीका है, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। जब सिर्फ टिक्की खानी होती है तो मैं इसमें बनाती हूँ फ्राई पैन में, और नॉन स्टिक तवा बोलते हैं जिसको, तो इसमें बनाऊंगी। और अब मेरे को टिक्की बनानी है तो मैं इसमें ही बनाऊंगी, अब बर्गर के लिए नहीं बनानी। बर्गर के लिए बनाती हूँ तो कढ़ाई में तेल डालती और फिर उसमें बनाती, और ये रोल को ऐसे दबा देंगे अच्छे से, इक्वल इक्वल, और सारी ऐसे ही करके, बस तेल हमारा गर्म हो गया है, और अब इसमें रख देंगे। तो ये थोड़ा बड़ा है हमारा नॉन स्टिक तवा, तो इसमें तीन टिक्की हमारी आराम से बन जाएगी, और ना ही ज़्यादा तेल लगेगा, तो भाई ज़्यादा ऑयली बनेगी, तो कम तेल में ही, और हमारी टिक्की गर्मा गर्म ठंडी के मौसम में तैयार हो जाएगी। और देखिए हमारी टिक्की एक तरफ से तो सिक गई है, और दूसरी तरफ से मैंने अच्छी करारी हो जाएगी। अभी एक बार और इसको पलटेंगे और इधर से सेकेंगे, तो सिम मैं गैस पे इसको सेक रही हूँ ताकि ये अच्छे से अंदर तक सिक जाए, नहीं तो बाहर से तो अगर तेज कर दूंगी ना गैस तो बाहर से तो सिक जाएगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो अब इसको मैंने सिम गैस पे कर दिया है, तो इधर से तो ये बिल्कुल करारी करारी हो गई है, और इसको पलट देते हैं। और गुड्डू देख रही है कि मम्मी को डर भी नहीं लग रहा, ना मम्मी के हाथ जल रहे, कैसे देख रही है वो मम्मी के हाथ नहीं जल रहे है ना है? देखिए बिल्कुल करारी करारी हो गई है, और 2 मिनट और इसको ऐसे ही सिम गैस पे दूसरी साइड से सेक देंगे, तो अंदर तक ही हमारी टिक्की जो है सिक जाएगी, और बाकी सारी भी ऐसे ही सेकूंगी। और भी काफ़ी देर लगने वाली है क्योंकि तेज आँच पे तो सेक नहीं सकते, अब सिम गैस पे तो ये धीरे धीरे आराम से ही बनेगी, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, अब तो धूप निकलने का 4-5 दिन हो गए, नाम ही नहीं ले रही धूप निकलने का, और सर्दी भी लग रही है मेरे को, हाथ मेरे बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। और तेल भी हमारा देखिए बिल्कुल ना के बराबर ही है तेल, बिल्कुल जरा जरा से तेल में हमारी टिक्कियाँ बन जाएगी, ये भी नहीं कि ज़्यादा भाई हो तेल है, बिल्कुल तेल में कच्चे एकदम से नहीं, थोड़े से तेल में ही, और हमारी करारी करारी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। तो इमली की चटनी मैंने तैयार कर ली है, और इसमें अब मैं और मसाले मिलाऊंगी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा और नमक, और ये चीनी, तो ये खट्टी मीठी चटनी हमारी बन जाएगी, और इसको अच्छे से मिला लूंगी चम्मच से। और दोनों बहन भाई रसोई में ही आ गए, भाई ये भी बना रहे हैं मेरे साथ साथ, है ना अंशु गुड्डे? बड़ी बड़ी क्यों बना रहे हो? ये लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे, बड़ी बड़ी अच्छी लगती है बेटे, बर्गर में कोई लगा नहीं है, खाली टिक्की। तो टिक्की हमारी बन गई है, और सबसे पहले खिलाएंगे लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का कोई भी काम नहीं है, तो लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को और गणेश जी को भोग। लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है, और अब बच्चों के लिए मैं टिक्की तैयार करती हूँ।
और मैं टिक्की को चार पीस में कट कर लूँगी, और चार पीस में कट करने के बाद जो मैंने खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाई है और ये मैंने हरी चटनी बनाई है साथ में, और थोड़ा सा दही भी मैंने एक थैली मंगवाया था वो मैंने थोड़ा सा भिलो लिया है, बिल्कुल बिल्कुल तो पतला नहीं किया है, बस थोड़ा सा ऐसे है कि भाई थोड़ा लिक्विड सा कर लिया है, और उसमें सारी चीज़ें मैं मिला के अंशु गुड्डू को खिलाऊंगी। और वैसे तो टिक्की बनने में काफ़ी देर लगेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मैंने बना लिए थे गोले, अभी तो गुड्डू अंशु ही खाएंगे। शर्मा जी बोल रहे हैं कि मेरी अभी कुछ खाने की इच्छा नहीं है, तो ना तो शर्मा जी अभी खाएंगे और ना ही मैं खाऊंगी, हम शाम को खाएंगे, और गर्मा गर्म बनी है तो बच्चों को खिलाऊंगी, और बच्चे वही बच्चे हैं तो इनसे कोई चीज़ ऐसी फास्ट फूड वाली बनती है तो बच्चों से रुका नहीं जाता, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं आपको पता है कि इनको फास्ट फूड खाना ही अच्छा लगता है, तो जितना हो सके उतना कम ही करती हूँ कि बाहर का बना हुआ इनको खिलाऊं और घर पे ही बना के खिला देती हूँ। एक तो घर पे बना हुआ अच्छा होता है, साफ बनता है, कम तेल में बनता है, अगर बाहर से हम टिक्की लाएँ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेल में होती है, तो अपने घर पर बनाने का फ़ायदा ये है एक तो बच्चा पेट भर के खा ले, और एक ये है कि साफ़ चीज़ें और शुद्ध चीज़ें एकदम बच्चों को साफ़ सुथरी खाने को मिले। तो अब करती हूँ तैयार टिक्की और अंशु गुड्डू को खिलाती हूँ और पूछती हूँ उनको कैसी लगी हमारी जो मैंने घर पे टिक्की बनाई है। गरम टिक्की तैयार है ठंडी के मौसम में और बच्चों को दे दी है भाई खाने के लिए, कैसी लगी बेटा? अच्छी। गरम 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 है, थोड़े आराम से, एक भाप निकल रही है, कभी उस दिन की तरह पास्ता खा रही थी और कह रही मम्मी मुँह जल गया, आराम से। तो इनको अब खाने देती हूँ और बनाती हूँ, क्योंकि और मैंने नॉन स्टिक तवे पर जो है वो रख रखी है और जल जाएंगी मेरी, तो उनको संभालती हूँ फटाफट से। खाओ तुम, ठीक है। और अब जा रही हूँ छत पे तुलसी की पूजा करके आऊँगी, और सारे पेड़ पौधे मम्मी कह रही है कि बेटा ठंड ज़्यादा हो रही है, और सच में भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल भी रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा। और जा रही हूँ ऊपर, सारे जो पौधे हैं गमले हैं सारों को एक चादर के नीचे रख के आऊँगी, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा अभी से ही हो गई, मौसम ख़राब हो रहा है, और भाई अब तो बोलते हैं सकरात तक 14 जनवरी तक तो रहेगी रहेगी, और जनवरी में तो मौसम रहेगा ही, जनवरी जनवरी तो ख़राब। अब चल जाती हूँ ऊपर, पूजा भी कराऊँगी और सारे पौधे भी ढकाऊँगी चादर से। देखिए 5:30 ही हुए अभी और धुंध भी गिरनी शुरू हो गई है, आपको शायद मोबाइल में तो नहीं दिख रही होगी पर धुंध गिरनी शुरू हो गई है, और तुलसी माता मैंने ढक दी है, ये तो यहाँ पे ढक दी है, और ये मैंने यहाँ पे रख दी है तुलसी माता के पौधे, और जोत भी मैंने यहीं जला दी है, वहाँ पे नहीं जलाई, वहाँ पे एक तो पर्दा कर दिया तो वो उठा के अंदर नहीं रह सकते, और अगर जोत जलाऊँगी तो ऐसे भाई डर है कि कहीं आग वाग ना लग जाए, तो मैंने जोत यहीं पर जला दी है और वो तुलसी माता ढक दी है, और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, बस जाती हूँ नीचे, ठंड लग रही है, बोला भी नहीं जा रहा मेरे से तो ठंड। हमारी गुड्डू का दांत टूट गया है, 3-4 दिन से काफ़ी परेशान हो रही थी, और ये दांत टूट गया, दांत नहीं ये जाड़ है, ये हाँ जाड़ है, ये टूट गई है, और आज तो कह रही थी पापा मेरे से खाना भी नहीं खाया जाएगा, मेरे मुँह में इतना दर्द हो रहा है, और काफ़ी परेशान हो रही थी, और अब थोड़े से खून आ रहे हैं मुँह में, क्योंकि ये जो जाड़ निकाली थी थोड़ी सी अटक रही थी खाल में तो वो निकाली थी, थोड़े से खून आ रहे हैं, तो चिन्नी खा रही है वो अभी तो, और बहुत परेशान हो रही थी आज तो पूरे दिन से ही, वो दांत के दर्द से बार बार कह रही थी मेरे दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है। और एक शर्मा जी कर रहे हैं ये देखिए हमारे गीजर का जो है स्विच ख़राब हो गया था, जल गया था, तो हमारे जो भाई इलेक्ट्रीशियन है हमारे घर के, बिजली वाले भी प्लम्बर भी सारे काम कर लेते हैं शर्मा जी, और छोटे मोटे सारे ही काम कर लेते हैं, और अब मैंने बोला कि आप भाई जाओगे बुकिंग पे तो सुबह हम परेशान हो जाएंगे, पता नहीं ये स्विच काम ही नहीं कर रहा, बार बार स्विच ऑन कर रही हूँ तो ऊपर गीजर ऑन ही नहीं हो रहा, तो आप जाओगे सुबह फिर हम परेशान हो जाएंगे, पीछे से अगर दिक्कत हो गई तो आप रात को ही आओगे, तो अब देख रहे हैं इसको कि क्या दिक्कत हुई, जल ही गया मेरे ख्याल में, है ना, जल गया है ना, हाँ तभी काम है, सुबह भी मम्मी कल भी कह रही थी बेटा मैंने गीजर तो ऑन कर दिया पर ये वहाँ से लाइट ही ना आ रही उसमें, और आज सुबह ये मैं करी थी तब भी ऐसे ही हो रहा था, तो अब मैं बोली आप जाओगे तो इसको ठीक कर दो पहले, फिर हम परेशान होंगे पूरे दिन, फिर गैस पे पानी गर्म करना पड़ेगा गीजर होते सराते, और बस यही है कि इसमें ये तार जली हुई निकाल के दूसरी अटैच कर देनी है, और फिर मैं तो करती नहीं, तो पूरे दिन परेशानी होना पड़ता है, और गर्म पानी के बिना तो अब बर्तन साफ़ होते नहीं है, ठंडा टंकी का पानी इतना ठंडा होता है कि हाथ एकदम से सुन हो जाते हैं, और शर्मा जी तो ठीक कर रहे हैं क्योंकि टंकी का पानी भाई बहुत ठंडा आता है,
बर्तन साफ होते ही नहीं है उस पानी से, तो हाथ पे गिरते ही हाथ एकदम सुन्न हो जाते, खून रुक जाता है हाथ का। तो मैं तो एक थोड़े से गर्म पानी वाली टूटी खो लेती हूँ और थोड़ी सी ठंडे पानी वाली, और दोनों मिक्स पानी आ जाते हैं तो आराम से बर्तन साफ़ हो जाते हैं निवाए निवाए पानी में। और अब मैं तो बोली शर्मा जी आप इसको पहले और कुछ भी मत करो, पहले ये काम करो भाई, खाना बाद में ही खाएंगे। चावल बनाए मैंने आज, नमकीन चावल बनाए क्योंकि दोपहर में टिक्की खा ली थी तो कह रहे थे भाई हैवी हैवी हो रहा है। ग्लास इसमें ही था, यहाँ देखो फ्रिज पे वो रखा, फ्रिज पे रखा है। तो नमकीन चावल ही बनाए क्योंकि दोपहर में भी टिक्की खा ली थी और सुबह परांठे खाए थे तो हैवी हैवी खाना हो गया, तो कह रहे आप नमकीन चावल बना ले, थोड़े सा बस तीखा कम रखियो। तो अब नमकीन चावल बनाए तो बस स्विच चेंज कर देते हैं, स्विच जल गया, तार नहीं स्पार्किंग नहीं हुई थी, स्विच जल गया तो बस स्विच चेंज कर देते हैं और फिर खाएंगे नमकीन चावल। पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी और फिर खाएंगे नमकीन चावल गरम गरम। अभी ये मैंने कुकर खोला नहीं है, स्विच जल गया है, ये चेंज कर रहे हैं, सारा खोल दिया ये बोर्ड यहाँ से और दूसरे में कनेक्शन कर रहे हैं इसका। टेप है पर ध्यान से करियो काम, इसने बंद ही कर दोगे हैं पंखा को, ये पंखा तो फिर कोई काम को है ना। हाँ अभी तो कहाँ पंखा लगेगा, अभी तो बंद ही कर दे। मम्मी सो गई है, लेटी हुई है सर्दी में और कह रही खाने की तो अब मना करिए, खाने खाएगी तो नहीं, एक ही टाइम खाती है मम्मी, या तो दिन को खिला दो भाई या रात को, एक ही टाइम खाती है। और कह रही है बेटा मेरा तो बैठी रहती है सारे दिन, पछता ही नहीं है बिल्कुल भी खाना पीना। तो अब बस कह रही थी चाय पिए अब शाम को, चाय पी के और कह रही मैं तो सो जाऊंगी, खाना वाना नहीं खाऊंगी, अपने लिए तुम बना लो जो बनाना है, मम्मी तो खाएगी नहीं खाना। और अपनी छुपी हुई है रजाई में और ठंड हो ही रही है भाई बहुत ज़्यादा, मम्मी क्या करे, कर दूँ लाइट बंद, मम्मी क्या करे भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो ही रही है, बड़ों को ही ठंड लग रही है हमको ही, और मम्मी तो बेचारी बीमार है और बुजुर्ग भी है तो लेटी रहती है। अब तो लड्डू गोपाल जी की भी सेवा मम्मी ने छोड़ दी, कह रही बेटा तेरे से जैसी होती है वैसी तो कर ले, अब मेरे से तो 2 महीने तो बिल्कुल नहीं होएगी, उठा ही नहीं जाता। तो अब तो मेरी मम्मी ने 12 साल बाद लड्डू गोपाल की भी सेवा छोड़ दी, अब क्या करे भाई, नहीं होता अब इतना। खाना खा लिया है और अब इस व्लॉग का एंड करती हूँ, आशा करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा।